विदेशी सैलानी कश्मीर को मान रहे पहले से ज्यादा सुरक्षित। पर्यटकों की संख्या में हुआ इजाफा। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद घाटी के हालात पर लगातार केंद्र सरकार की कड़ी नजर है। गृह मंत्री अमित शाह से लेकर एनएसए प्रमुख अजीत डोभाल लगातार कश्मीर के हालात सामान्य बनाने को लेकर बैठक और दौरा कर रहे हैं। ऐसे में धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर की मौजूदा परिस्थितियों में लोग घूमने की जगह के चयन में कश्मीर का नाम आते ही अभी छोड़ा सा हिचक जाएंगे। ऐसे में जब देश के पर्यटक ही हिचक रहे हों तो फिर विदेशी पर्यटकों के बारे में तो सोच भी नहीं सकते। लेकिन अगर आप डल झील की ओर रुखसत होंगे तो बेहद ही आश्चर्य करने वाले दृश्य से दो चार होंगे। विदेशी पर्यटकों को कश्मीर की शांति बेहद पसंद आ रही है, जिसके कारण लगातार विदेशी सैलानियों का आना लगा हुआ है। एक अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट के अनुसार अनुच्छेद 370 हटने के बाद से 30 सितंबर तक कुल 4,167 ही घरेलू पर्यटक श्रीनगर एयरपोर्ट पहुंचे हैं, जबकि पिछले साल के आंकड़ों की बात करें तो पिछले साल 1,45,000 घरेलू नागरिक कश्मीर पहुंचे थे। गौरतलब है कि 5 अगस्त को भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा वापस ले लिया था। इसके बाद से घाटी के लगभग सभी इलाकों में कर्फ्यू जैसे हालात थे। हालांकि इन परिस्थितियों में भी 5 और 6 अगस्त को घाटी में क्रमशः 24 और 9 विदेशी सैलानी मौजूद थे। इसके बाद से लगातार प्रतिबंधों के बीच जम्मू कश्मीर में घरेलू सैलानियों की मौजूदगी शून्य हो गई थी, लेकिन इस बीच भी विदेशी सैलानियों का आना जारी रहा। फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन ऑफिस की माने तो 5 अगस्त से 30 सितंबर के बीच 928 विदेशी टूरिस्ट श्रीनगर एयरपोर्ट पहुंचे थे। हालांकि इनमें पत्रकारों को शामिल नहीं किया गया है।